स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9, अपना भरोसा। अपना भरोसा मतलब स्वयं पर विश्वास। हमें जो है दूसरों की अपेक्षा स्वयं पर ही विश्वास रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह हम कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे खरगोश की जो मुसीबत के समय अपने मित्रों से सहायता मांगता है और उसके सभी मित्र उसे जो है मना कर देते हैं। अंत में सबसे निराश होकर उसे अपने ही ऊपर भरोसा करना पड़ता है कि मेरी मदद जो है कोई नहीं करेगा, मुझे अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी। कहा भी गया है कि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। राजगीर की पहाड़ियों से सटा एक गांव है अरई। उस गांव में 5 मित्र रहते थे, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। गाय एक ग्वाले की थी। घोड़ा गांव के बड़े किसान का था। गधा गांव के धोबी का और बकरी एक मजदूर की थी। सभी चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे। खरगोश बड़ा चंचल था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूंछ पकड़कर उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था। कभी कभी वह गधे की पीठ गुदगुदाकर उसे हंसा भी देता और बकरी की सवारी तो सबसे आसान थी। वह छलांग मारकर पीठ पर सवार हो जाता और झट से उतर जाता। राजगीर की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है अरई। उस गांव में 5 मित्र थे। कौन कौन थे? खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश जो है राजगीर की पहाड़ियों में ही पहाड़ी की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। गाय जो थी वह एक ग्वाले की थी। घोड़ा उस गांव के एक बड़े किसान का था। गधा धोबी का और बकरी एक मजदूर की थी। सभी एक साथ चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे। खरगोश जो है बहुत ही चंचल, यानी कि चुलबुला। चंचल मीन्स होता है चुलबुला। बहुत ही चंचल था वह। खेल खेल में कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूँछ पकड़ करके नीचे उतर जाता। घोड़े पर वह ऐसे बैठता मानो वह सिंहासन हो। कभी कभी वह गधे की पीठ पर चढ़कर उसे गुदगुदा देता और उसे हंसा देता। और उसे बकरी की सवारी सबसे आसान लगती थी क्योंकि बकरी हाइट में छोटी होती है, तो वह छलांग मारकर उसकी पीठ पर बैठ जाता और फिर तुरंत उतर जाता। 5ों के दिन बड़े मज़े से ही गुजर रहे थे। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से एक मोटा ताज़ा जंगली कुत्ता आ गया। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया। कुत्ता हमेशा उसकी ताक में रहता था। 5ों बहुत अच्छे से रह रहे थे, प्रेम से, मित्रतापूर्ण से। लेकिन तभी एक दिन जंगल में कहीं से एक जंगली कुत्ता आ गया। अब खरगोश को जो है बिल से निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि कुत्ता हमेशा इसी ताक में रहता है कब वो बाहर निकले और वह उसे अपना शिकार बनाए। खरगोश के न होने से चारों मित्र भी उदास रहने लगे क्योंकि अब उन्हें कोई छेड़ने वाला न था। खरगोश जो कि कुत्ते के डर से बिल से बाहर नहीं आता था, तो चारों मित्र भी उदास रहते थे क्योंकि वह जो खरगोश था वह आता था तो सबके साथ खेलता, सबको हंसाता था। तो अब उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं था, न उनके पीठ पर कोई कूदने वाला था, पूछ पकड़ कर उतरने वाला नहीं था, कोई उन्हें गुदगुदाने वाला नहीं था। तो उसके न रहने से चारों मित्र जो है उदास रहते थे। कुत्ते के भय से खरगोश का निकलना बिल्कुल बंद हो गया। मौका पाकर वह बिल से निकलता और बिल के आसपास की थोड़ी सी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते वह फिर बिल में दबक जाता। कुत्ते के डर से खरगोश जो है अब बिल से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता था। इधर उधर देख करके वह बिल से थोड़ा बाहर भी निकलता और बिल के आसपास की ही घास खा लेता था। लेकिन जो ही उसे जरा सी भी आवाज़ सुनाई देती वह तुरंत बिल में चला जाता था।
दिन मौका पाकर वह बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। कुत्ता कहीं घूमने गया था। जंगल में अपने चारों मित्रों को चरते देखकर उसकी बाछी खिल गई। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी दीदी, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है, उसने मेरा जीना दुभर कर दिया है। वह हमेशा मेरे ताक में लगा रहता है, इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता। आज उससे आंख बचाकर आया हूँ। तुम अपने पैने सिंह से उसका पेट फाड़ दो ना। एक दिन जो है, जब कुत्ता कहीं घूमने गया था, तो खरगोश बिल से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। वह जंगल में अपने चारों मित्रों को देखता है जो कि घास चर रहे थे। वह गाय के पास जाता है और कहता है कि दीदी, मेरे पीछे जो एक कुत्ता पड़ गया है, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वह हमेशा ही मेरी ही ताक में रहता है। आज किसी तरह उससे बच करके आया हूँ। तुम अपने सिंहों से उसे मार दो। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्हे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार चुक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वह कुत्ते को डांट दे, तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते। इतना कहकर गाय चरने लगी। खरगोश की बात सुन करके गाय बोली कि ठीक है, मैंने देखा है कि कुत्ता जो है बहुत ही मजबूत और फुर्तीला है, काफ़ी मोटा ताजा है। यदि गलती से मेरा वार चुक गया तो वह मुझ पर हमला कर देगा। मैं अपने ग्वाले से कह दूंगी, वह कुत्ते को डांट देगा, लेकिन तुम घोड़े के पास जाओ और घोड़े से मदद मांगो। यह कहकर के गाय जो है अपना घास चरने लगती है। थोड़ी दूर पर घोड़ा चल रहा था। वहाँ पहुँच कर खरगोश घोड़े से बोला, दादा दादा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर कुत्ते के दांत तोड़ दो। घोड़ा बोला, दुलत्ती तो पिछले पैरों से चलानी पड़ती है। यदि वह ठीक से नहीं दिखा अथवा फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा और कभी भी काट खाएगा। थोड़ी दूर पर जो है घोड़ा जो चल रहा था, तो खरगोश वहाँ भी जाता है और उसे कहता है कि दादा, तुम मेरी मदद करो, जो कुत्ता है वो मुझे खा जाना चाहता है, तो तुम उसे दुलत्ती मारो, यानी अपने पैरों से मार के उसके दोनों दांत तोड़ दो। घोड़ा कहता है कि दुलत्ती तो पिछले पैरों से मारी जाती है, यदि मुझे ठीक से नहीं दिखा या फिर मैंने दुलत्ती मारी और वो भाग गया तो वो मेरा शत्रु बन जाएगा और मुझ पर कभी भी हमला कर सकता है। घोड़े की बातों से निराश होकर वह गधे के पास पहुँचा और बोला, गधे भाई, आजकल मैं मुसीबत में हूँ, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खा जाना चाहता है, दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो ना। गधा बोला, यह कैसे हो सकता है, कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है, यदि वह मेरा वार बचा गया तो मेरी खैरियत नहीं, वह मुझे नोच खाएगा और मेरा जीना दुभर कर देगा। जब घोड़ा भी इनकार कर देता है तो वह जो है खरगोश गधे के पास, अपने तीसरे मित्र गधे के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई, मैं मुसीबत में हूँ, एक कुत्ता जो है मेरे पीछे पड़ गया है, तो तुम अपने दुलत्ती मार करके उसके दांत तोड़ दो। गधे ने भी कहा, यह कैसे हो सकता है, कुत्ता जो है मोटा ताजा है, फुर्तीला है, यदि वह मेरा वार बच गया, मेरे वार से बच गया तो फिर वो तो मुझे ही नोच खाएगा और मेरा जीना दुभर कर देगा। खरगोश हार कर बकरी के पास आया और बोला, बहन, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है, वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो। बकरी मिमिया कर बोली, जब गाय, घोड़ा, गधा तुम्हारी सहायता न कर सके तब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। सारे दोस्तों से निराश होकर के खरगोश जो है बकरी के पास जाता है, फिर उससे भी कहता है कि बहन, जो कुत्ता मेरे पास पड़ा है, तुम अपने सिंग से मार करके उसे उसका पेट फाड़ दो, जिससे कि वह मर जाए, और क्योंकि उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बिल से बाहर भी नहीं निकल पाता हूँ। लेकिन बकरी ने कहा कि जब गाय, घोड़ा और गधा भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाए तो उनकी अपेक्षा तो मैं बहुत छोटी और कमज़ोर हूँ। बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूँ कि अपने मित्रों से सहायता मांगने गया, मेरे मित्र भला कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे, मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, अपनी कि धत तेरे की, यानी कि जैसे कि हम कोई बात करते हैं किसी पर, वो तो कहते हैं धत तेरे की, उसी तरह से वो कहता है कि मैं ही मूर्ख हूँ जो अपने मित्रों से सहायता मांगने गया था,
भला मेरे मित्र मेरी क्यों मदद करेंगे? मुझे दूसरों के बजाय अपने ही पैरों पर भरोसा करना चाहिए था, ताकि मैं तेज भाग सकूं और कुत्ते से अपनी जान बचा सकूं। कहते हैं उसी दिन से वह बहुत तेज दौड़ने लगा, इतना तेज कि कुत्ता उसे कभी न पकड़ सका और उसकी चाल खरगोश की चाल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कहा जाता है कि उसके बाद से, यानी कि अपने दोस्तों से निराश होकर जो उसने अपने पैरों पर भरोसा किया, अपने ऊपर भरोसा किया, उस दिन से वह इतना तेज दौड़ने लगा कि वह कुत्ता उसे कभी नहीं पा सका और उसकी चाल खरगोश की चाल के नाम से प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश की चाल यानी कि जब भी बहुत तेज दौड़ता है उसे खरगोश की चाल कहते हैं, तो उसकी चाल जो है खरगोश की चाल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। थैंक यू।